अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं, जुमलों का नाम बता दीजिए कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो ये बताइए, नौवीं फेल हवाई जहाज बैठ के मछली का आनंद ले रहा है, अच्छे दिन नहीं है तो क्या दिन है? देश का गृह मंत्री है, और एक जुमला तो याद होगा आपको, 15-15 लाख मिला क्या भैया? मिला 15 लाख। एक नारा चला था कि मैं भी चौकीदार हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में अब साबित हो गया कि चौकीदार ही चोर है। मैं नहीं कह रहा, ये चौकीदार ही चोर है। ये जनता की आवाज, और जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। ये सब पेपर दिए थे, बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उनका लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा 5 साल के लिए, और हम युवा शहीद होंगे 4 साल के लिए। बताइए, मैं गारंटी देता हूँ अमित शाह जी को, गारंटी देते हैं हम उनको 6 बार में 6 बार आउट करेंगे, हम 6 बार में 6 बार आउट करेंगे। अभी बीजेपी के नेता, जितने भी बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के कामों से जनता आनंदित है, खुश है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जनता इस देश में, किसान भी जनता है, नौजवान भी जनता है, देश का हर वर्ग, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जिस तरीके से विरोध देखने को मिला है हर मुद्दे पर, चाहे वो किसानों वाला हो, चाहे नौकरियों का हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे मणिपुर जलता रहा, बहन बेटियों को नंगा घुमाया हो, ये भी तो देश ही है ना, देश की जनता है। देश की जनता इस बार रिजेक्ट कर चुकी है, इसीलिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो ऐसा बयान दिया है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का जो 400 पार का नारा था वो खोखला है, और पहले चरण की हार की बौखलाहट है। क्या बोलेंगे? देखिए भाई साहब ने अभी सही कहा कि जनता किसान भी है, जनता जवान भी है, जनता विद्यार्थी सारे लोग हैं। लेकिन रह गई बात ये कि जैसे ये लोग राग जो अलाप रहे हैं, विपक्षी खेमे के लोग, कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और कहाँ गया रोजगार? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई एक वीडियो लेकर के दिखाइए, कोई एविडेंस लाइए कि मोदी जी यदि ये बोले हों कि हम हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, तो मैं मानता हूं कि 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी नहीं दे पाए मोदी जी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यदि मोदी जी ने यह कहा हो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे या 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का मतलब पहले समझ लेना चाहिए कि वास्तव में रोजगार का मतलब क्या है। रोजगार का मतलब यह है पैसा कमाने का अवसर, और पैसा कमाने का अवसर देना मतलब हम रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी ने वो दिया है अवसर भाई। अभी ये बताइए, 43,000 किलोमीटर जो हाईवे बना, क्या उसमें लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिला? सेंट्रल विस्ता का जो प्रोजेक्ट हुआ, क्या इसमें लोगों को पैसा बिजनेस से लेकर के, मजदूरी से लेकर के सारे काम का काम नहीं मिला? उसके बाद जो शौचालय बना, मानता हूँ 12,000 मिला लोगों को, लेकिन उस 12,000 में काम हुए ना शौचालय? कुछ कहने का मतलब, 12,000 सरकार ने दिया, 12 कुछ लोग अपने पैसे लगा लिए, लेकिन उसमें राजमिस्त्री हेल्पर लेवल लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद एक अनगिनत, अभी कई सारे मिसाइल भंडार बने हैं। आजकल के जो आम आदमी हैं उनको जो नॉर्मल प्रोजेक्ट हो याद नहीं है, अजमेर में करीब 3 मिसाइल भंडार बनी है, तो उस उतने बड़े प्रोजेक्ट में लोगों को रोजगार नहीं मिला। अभी 1 मिनट, 700 भवन का सेना भवन हमारा जर्जर हो चुका था, 700 भवन का सेना भवन का नया सेना भवन बन रहा है, प्रोजेक्ट टेंडर हो चुका, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला लोग? क्या बोलेंगे सर? इतना सेंट्रल भी सुनिए, आप जवाब सुनिए, 700 करोड़ का आर्मी हॉस्पिटल यही दिल्ली कैंट में बन रहा है, क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा आप लोगों को? क्या बोलेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से भाई साहब ने जो चीज़ें गिनवाई हैं, क्या इससे पहले कार्य नहीं होते थे? क्या इससे पहले डेवलपमेंट नहीं होता था? क्या इससे पहले ये जो रोजगार था, इसे आप रोजगार कहेंगे, लेकिन ये एक तरीके से मजदूरी है। क्या लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मसला ये बार जो 2 करोड़ नौकरियों की बात है, ये तो एक प्राइवेट रोजगार है, ये तो मजदूरी है। आप आके यहाँ बैठ जाओ, जो जहाँ से मजदूर जाते हैं 500-600 की दिहाड़ी, वहाँ जाके बैठ जाओ, रोजगार तो वो भी है, लेकिन रोजगार वो था। एक बार बताइए, 22 साल का नौजवान अग्निवीर आप उसको बना दोगे, 22 साल के बाद आप उसको रिटायरमेंट दे दोगे, 22 साल के बाद वो क्या करेगा? एक बार बताइए, 22 साल का रिटायरमेंट, और मोदी जी हमारे 75 साल के करीब हो गए, वो 5 साल और मांग रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है? अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जो ये कह रहे हैं कि एक भी एविडेंस दिखा दीजिए, उन्होंने ये कहा था कि भाइयों और बहनों कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। नौकरी मतलब परमानेंट होती है, ये आप जो बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हुआ, रोडों पे लेबर लगी, ये प्राइवेट सेक्टर है, बात प्राइवेट सेक्टर की नहीं हो रही है। मोदी जी ने जिस तरीके से आपके कहे अनुसार जो आप कह रहे हैं, सारा देश प्राइवेट सेक्टर है, HCL, भेल, रेलवे, ये यहाँ तक के लाल किला भी प्राइवेट कर दिया। तो एक बात बताइए, जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, तो सरकारी प्रधानमंत्री के हमने भाषण देने के लिए चुने हैं?
या हमने झुंझुना हिलाने के लिए चुने, हमने प्रधानमंत्री चुना है तो हमारा दायित्व है, हम सवाल भी पूछेंगे और हम 2 करोड़ नौकरियों के लिए ही पूछेंगे। और एक जुमला तो याद होगा आपको, 15-15 लाख मिला क्या भैया? तो आप लोग मिला 15 लाख 15 लाख 15 लाख वही अभी आपने बोला नौकरियां, मैंने कहा बताइए कहाँ, ये बोला सरकारी नौकरियां। नौकरियां क्या लोग एमबीए करके कंपनी में मैनेजर है उसको नौकरी नहीं बोलेंगे क्या? यहाँ पे हेल्प प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर वो क्या नौकरी नहीं है? नौकरी प्राइवेट भी होती है। पहले सही बोला, पहले नहीं था बोला, इससे पहले भी थी, लेकिन मैंने वही बोला ना टोटल कंपेरिजन 15 लाख मोदी जी ने ये कहा था कि विदेशों में जो काला धन है देश में आ जाए, वो पैसा दी बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में आबादी 15 लाख आ जाए। मोदी जी ने ये नहीं कहता कि हम 15 लाख सबको देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए जब मैंने, मुझे आज भी वो भाषण याद है, मुझे आज भी अपने उस वक्त के जो भावी प्रधानमंत्री थे और जो अब हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है, मेरी जेब में 100 लोगों की पर्ची है, मेरे प्रधानमंत्री बनते ही भाइयों और बहनों वो सारा काला धन आ जाएगा और 15-20 लाख हर व्यक्ति को यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। ये उनके आया पैसा आया, एक नारा चला था कि आ गया था, मैं भी चौकीदार हूँ। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड में अब साबित हो गया कि चौकीदार ही चोर है। मैं नहीं कह रहा, ये चौकीदार ही चोर है। ये जनता की आवाज, और जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। जब जनता, देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जनता ने ही बनाया था और इस बार जनता ही उनको हटा रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। जुमलों का नाम बता दीजिए कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं? बात चली थी भारत में बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी एक सर के बदले 100 सर काट लाने से, बात चली थी ना खाले ना खिलाने से, बात चली थी 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने से, बात चली थी 15 लाख खाते माने से। कहां गई वो 15 काले धन की मन की बात? आज पिछले साल से जनता सुन रही सिर्फ रेडियो मन की बात। अब तो लोग बैंकों को लूट के भगौड़े हो रहे हैं, लाखों पढ़े लिखे नौजवान आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा रोजगार के बारे में, ये कहां से लेकर ले कर, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, ये 9वीं फेल हवाई जहाज में बैठ करके मछली खा रहा है, तो ये बताइए 9वीं फेल हवाई जहाज में बैठ के मछली का आनंद ले रहा है? अच्छे दिन नहीं है तो क्या दिन है? जब तड़ी पार देश के गृह मंत्री है, तड़ी पार देश का गृह मंत्री हो सकता है? तो सुनिए, हमें इस देश में सब कुछ दिया संविधान ने, और संविधान हमें एक ही चीज देता है, वो है भारत की नागरिकता। ए भारत की नागरिकता हमसे कोई हक नहीं छीन सकता। क्या बोल रहे? अरे भाई ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हो ना परिवारवाद, पहले जाकर के कांग्रेस से पूछिए, मुलायम से मुख्यमंत्री है उनके बेटे मुख्यमंत्री, लालू यादव मुख्यमंत्री उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, उनका बेटा वो मुख्यमंत्री, जा करके पूछिए। राजनाथ सिंह गृहमंत्री रह चुके हैं पार्टी में, दूसरे नंबर का कद है, लेकिन अभी उनके बेटे प्रदेश में महामंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और विधायक है, मंत्री भी नहीं है। जैसा जैसा जानते हैं, जैसा कौन है? अरे चाचा जैसा कौन है? जैसा को जानते हैं? कौन है वो? अरे भाई, अरे बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उनका लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा 5 साल के लिए, और हम युवा शहीद होंगे 4 साल के लिए। बताइए ये 4 साल की हमको अग्निवीर नौकरी देंगे ये, और इनकी जो अमित शाह के बेटे वो 5 साल के लिए बीसीसीआई, बिना पढ़े लिखे बिना आईएएस के पेपर दिया बन जाएंगे। अच्छा मैं गारंटी देता हूँ अमित शाह जी को। क्या गारंटी देते हैं? हम उनको 6 बॉल में 6 बार आउट करेंगे, हम 6 बॉल में 6 बार आउट करेंगे, गारंटी देता हूँ। बताइए क्वालिफिकेशन क्या है? अरे हमारी क्वालिफिकेशन छोड़िए ना, हम बेरोजगार है। आप बताइए, मैं रोजगार दूंगा आपके कैमरे पे। बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बताइए क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन बताइए क्या आपकी? क्या क्वालिफिकेशन? मैं रोजगार दूंगा। क्या बोलेंगे? क्वालिफिकेशन क्या आपकी? आप मोदी जी से क्वालिफिकेशन नहीं है, रोजगार दूंगा। जब हमारी बोलिए रोजगार मैं दूंगा, बता रहा हूँ। सुनो दो क्लास पढ़े हो यार। अरे कोई तो हम फर्जी मार्कशीट थोड़ी जानते हैं। अरे हमारे फर्जी मार्कशीट नहीं है, हमारे पास भैया बीए है और डिप्लोमा की डिग्री है, ठीक है। और अभी मैं 12 से 14 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। नौकरी कर, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? आप बताइए ना,
क्वालिफिकेशन? अरे बताओ, एमए हो, पीएचडी हो, क्या हो बताओ? बीए है। बताइए, बीए हो, किस सब्जेक्ट से हो? अरे आप बताए ना। बताओ ना, मैं रोजगार दे रहा तो सवाल नहीं पूछूंगा क्या? ऐसे भर्ती कर दूं तुमको 50,000-60,000 की नौकरी पे, सवाल पूछूंगा तुम जिसका भी लोगे रोजगार दूंगा? बताओ बीए कौन से सब्जेक्ट से हो? हमारा राजनीतिक शास्त्र है। राजनीतिक शास्त्र। और दो सब्जेक्ट और कौन से थे? समाजशास्त्र थे। अच्छा, ये बताओ 69 में कैद है क्या? ही कहीं कर रहे हैं भाई क्या? अरे बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। 18 नवा। मेरा चाचा सवाल है, चाचा ने 18 नवा 108। मैंने क्लास 2 का सवाल पूछा, 18 नवा 162 होता है। मैं कहीं गूगल पे देखने नहीं गया, 18 नवा 162। और ये 18 नवा 108 बता रहे हैं, और ये राजनीति शास्त्र से ये भी हैं, और इनको चाहिए कितने? 50,000 की नौकरी। एक इनको लाखों की नौकरी चाहिए, और इनको 2 का पहाड़ा नहीं आता है। तो बेरोजगारी का राग अलापने वाले ऐसे ही लोग हैं, समझ रहे हैं? बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है, लेकिन 2 तरीके की बेरोजगारी है। एक तो काम नहीं करना चाहते, और एक कहीं से डिग्री ले ली है तो चाहते हैं उस डिग्री के आधार पर नौकरी मिले। उस डिग्री, भले उस डिग्री का जो डिग्री ले रखे हैं, भले उसका उस डिग्री का ABCD ना पता हो, नॉलेज ना हो, जैसे नकली नॉलेज इनका, नकली डिग्री इनकी है। 18 नवा 108। अच्छा, हमारी नकली डिग्री है। आप मोदी जी की डिग्री बताइए। चलिए हम, चलिए हमको नहीं आता है, हमको नहीं पूछो। चलिए मोदी जी की डिग्री बताइए। 30 साल बोले, छोड़ी बन गया आप बोले क्या? देखिए मेरा सवाल भाई साहब से है। सर आप देखिए, हमने आपको नहीं चुना है रोजगार देने के लिए, सुनिए। हमने आपको नहीं चुना है रोजगार दे, सुनिए, और ना आप सुनिए, मेरी सुन लीजिए ना, आप किसी को जज करेंगे कि मैं किसे नौकरी दूंगा और किसकी, सुनिए आप पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। अब मैंने सुना था, आप सुन लीजिए। आप ये जज नहीं करोगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन किसकी नौकरी करेगा। दूसरी चीज, आपने एक लंबी चौड़ी बात कही थी परिवार बात पे, आपने कहा था कि नोमी फेल मछली खाता हवाई जहाज में, ठीक है? परिवार बात नहीं बोल रहा, परिवार बात मैं बता रहा हूँ। अब उस पर आ जाइए, इन्होंने कहा कि एक नोमी फेल उप मुख्यमंत्री बन जाता है और हवाई जहाज में घूम के मछली खाता है, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ गलत है। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, ये बताइए तड़ी पार क्या होता है, जो BC क्या होता है, जो समाज में रहने लायक ना हो उसको तड़ी पार यानी कि बैड कैरेक्टर पुलिस चार्जशीट में लगाती है कि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। आज वही व्यक्ति हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तड़ी पार रहे हैं, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। जनता ने चुना, आरोप लगा, तड़ी पार का आरोप बता रहे, वो क्लीन चिट है, उनको क्लीन चिट मिल गई है। अब यदि अमित शाह को आप तड़ी पार कर रहे हो तो लोकतंत्र का हनन कर रहे हो, लोकतंत्र की। अमित शाह को जनता ने चुना है, जनता ने चुना है अमित शाह को, लाखों से जीता है, लाखों वोटों से जीते हैं। अमित, सुनिए सुनिए, अमित शाह जी को जनता ने चुना है ना, चलो अमित, उनके बेटे जय शाह को किस क्वालिटी पर उन्हें BCCI का सेक्रेटरी बनाया? आपके चैनल पे लोग, अनपढ़ लोग आके कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, नौकरी क्वालिफिकेशन है नहीं, नकली डिग्रियां इनके पास होती है। जैसा बोलो काम का बदनाम करते हैं नौकरी चाहिए। जिसको नौकरी चाहिए, मेरे घर के पास रहते बच्चे, कोई गुड़गांव जाता है, कोई नोएडा जाता है, 30-30 लाख का पैकेज लेते हैं वो लोग। जिनके पास कोई हुनर है, क्वालिफिकेशन है, वो बेटे उनको कंपनियां घर से बुलाती हैं। आप लोग नकली डिग्रियां लेके टीवी पे आके झूठा प्रचार करते हो। अभी आपसे इन्होंने क्वेश्चन किया, आपने जवाब क्या बोलेंगे, बोलिए। देखिए चलो, अमित शाह जी को तो जनता ने चुना है, लेकिन BCCI का सेक्रेटरी जय शाह जी को किस काबिलियत पर बनाया, उन्हें किसने चुना, ये जवाब दे दे।